आईपीएल आज के समय में सबसे लोकप्रिय इवेंटों में से एक है, जिसकी व्यूअरशिप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जाती है। आईपीएल सिर्फ इवेंट ही नहीं, एक ऐसा मंच प्रदान करता है आज के युवाओं को, जिसके कारण वह अपनी गेम में उस हद तक जा सकते हैं जिससे वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए खेलकर देश का नाम बड़ा बना सकते हैं इंटरनेशनल मंचों पर। आईपीएल में सिर्फ शहर के नहीं बल्कि दूर दूर के ऐसे इलाकों से भी नए चेहरे हमारे सामने आते हैं जो कुछ कर गुजरने की हिम्मत अपने में रखते हैं। आईपीएल की शुरुआत आज से 14 साल पहले हुई थी 2008 में। कैसे आईपीएल एक बहुत बड़ा मेन इवेंट बन पाया था? आईपीएल हम देखते तो हैं पर हम ये नहीं जानते कि आईपीएल की शुरुआत किन सिचुएशंस के कारण हुई थी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। आईपीएल की शुरुआत होने से पहले आईपीएल जैसा ही T20 लीग इवेंट ऑर्गेनाइज होता आया था ICL, जिसके संस्थापक थे SL ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्र। 2006-2007 के दौरान हमारे देश की क्रिकेट टीम ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। रेटिंग्स में टीम की रैंकिंग सिर्फ बांग्लादेश से ही ऊपर थी, क्योंकि उस समय टीम सेलेक्टर्स एंड टीम मैनेजमेंट में ज्यादा प्रभावशाली लोग नहीं मौजूद थे। टीम में नए प्लेयर्स का आ पाना लगभग ना के बराबर था, जिसके कारण सुभाष चंद्र ये चाहते थे कि एक ऐसा इवेंट को शुरू करा जाए जो युवाओं में नया जोश भर दे क्रिकेट को लेकर। खेल को दोबारा से रोमांच से भरा हुआ बनाने की जरूरत थी। जब वर्ल्ड कप टेलीकास्ट राइट को खरीदने की बोली लगाई जा रही थी, उस बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स में भी सुभाष जी ने एक पूरा क्लॉज ऐड करा था जो डोमेस्टिक लीग के बारे में था, जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा $2.1 करोड़ की कीमत और देने का सुझाव रखा था। लेकिन BCCI ने उनके क्लोज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। बल्कि NCP लीडर शरद पवार जी, जो कि 2005-2008 के दौरान BCCI के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ हुई सुभाष जी की मुलाकात में जब उन्होंने शरद जी के सामने ये बात रखी T20 लीग शुरू करने की, तब उन्होंने सुभाष जी से कहा, देखो अगर ये काम करता है। लेकिन पवार जी ने सुभाष जी का सुझाव का कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। उन्हें लगा कि सुभाष जी खुद अपनी ही T20 लीग शुरू करना चाहते हैं, जिसके फैसले अनुसार पवार जी ने BCCI के ऑफिशियल्स को ये ऑर्डर दिया कि हर संभव कोशिश की जाए सुभाष जी को ये लीग शुरू ना करने के लिए। लेकिन सुभाष जी ने 2007 में लीग की शुरुआत कर दी और डिफरेंट टीम्स भी बनाई जो थी ये सारी, जिसमें कुछ इंटरनेशनल टीम्स भी थी बल्कि एक टीम तो खुद इंडिया थी, जिसके कारण BCCI ने लीग में जितने भी प्लेयर्स या एड्स प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज या प्रमोटर्स ICL से जुड़ रहे थे उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि ICL से दूर रहे, बल्कि कई बार तो उनमें से कईयों को धमकाया भी। BCCI से जुड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेडियम को कंट्रोल या मैनेज करती है, उन्होंने स्टेडियम देने से भी साफ मना कर दिया, जिसके कुछ समय बाद राज्य सरकारें मानी अपने यहाँ से कुछ स्टेडियम प्रोवाइड कराने के लिए, जिसके बाद उन्हें पहला स्टेडियम गुड़गांव में, फिर चंडीगढ़ के पास, फिर हैदराबाद में, फिर एक अहमदाबाद में मिल पाया। दिसंबर 2007 में पहला ICL सीजन हुआ। इवेंट कुछ हद तक पॉपुलर रहा, ऑडियंस को भी ICL पसंद आया, लेकिन इवेंट इतना सक्सेसफुल नहीं बन सका। वह सिर्फ अपनी लागत के 100 करोड़ में से सिर्फ 5% की रिकवरी कर सके, जिसके बाद दूसरे ICL के आयोजन में वह 30% रिकवर कर पाए। लेकिन तीसरे आयोजन के दौरान पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस छाए हुए थे। अब तक ICL में सुभाष जी के खुद के पैसे लग रहे थे। अगर ऐसा वह ना करते तो जो कंपनीज उनकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी उनकी शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती थी। इसी दौरान IPL भी शुरू हो चुका था। BCCI ने खुद अपनी मार्केटिंग और इन्फ्लुएंस के कारण IPL को मार्केट करना शुरू कर दिया था। स्पोर्ट्स टेलीकास्ट आज के उभरते हुए बाजारों में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो 450 करोड़ से भी कई ज्यादा बड़ी है, जो हर साल बढ़ती ही जा रही है। IPL हम सब इन
एंजॉय तो खूब करते हैं, लेकिन आईसीएल से लेकर आईपीएल तक का एक बहुत बड़ा सफर रहा है। आईपीएल आज हमारे देश की एक इंटरनेशनल पहचान बन चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक जरूर करना।